गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हम तो ठीक हैं और मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ चेन्नई के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बुलाया था कि मैं पौंडीचेरी जा रही हूँ, पहले मैंने चेन्नई की फ़्लाइट ली है दिल्ली से चेन्नई, और उसके बाद मैं जाऊँगी पौंडीचेरी। सुबह के 8 बजे और दिल्ली का ट्रैफिक। हाय गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट और मेरी बोर्डिंग हो चुकी है। मैं भी अभी बोर्डिंग करा के आकर बैठी हूँ। थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि आज पहली बार फ़्लाइट में अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत बार आई हूँ लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं अकेले आई हूँ। थोड़ी नर्वस हूँ, कोई नहीं, देखते हैं। हम चेन्नई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, ये देखिए अपने बैग का वेट कर रही हूँ। फाइनली मेरे दोनों बैग मिल चुके हैं और अब मैं अपनी कैब के लिए जाती हूँ क्योंकि कैब वाला इंतज़ार कर रहा है। अब चलते हैं पौंडीचेरी। मैं चेन्नई से पौंडीचेरी जाने के लिए कैब में बैठ चुकी हूँ और अभी मेरी कार वाले भैया से बात हुई है। उन्होंने बताया कि अभी हमको 3 घंटे और लगेंगे। अभी मैं फ़्लाइट से उतरी हूँ तो मैंने देखा यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जबकि हमारी दिल्ली में हल्का मौसम में अब बदलाव आ गया है, लेकिन यहाँ तो जैसी जून जुलाई में हमारे यहाँ होती है वैसी ही गर्मी है। कोई नहीं, देखते हैं कितनी गर्मी है, बर्दाश्त करेंगे, 2-4 दिन तो रहना ही है। हेलो गाइस, देखिए पौंडीचेरी की राइड। हम बैठे हैं 3 व्हीलर टेम्पो में क्योंकि यहाँ ओला, जैसे हमारे यहाँ ओला कैब मिलती है ऐसे नहीं मिलती है। और अभी जा रहे हैं रॉक बीच घूमने के लिए और ये मेरी प्रिंसेस है। अभी हम पौंडीचेरी की रॉक बीच जाएंगे, रात में फिर मॉल जाएंगे। यहाँ का ये पौंडीचेरी में एक छोटा सा मॉल है बस। हम पहुंच चुके हैं रॉक बीच। ये देखिए हम रॉक बीच आ गए हैं। अभी आपको रॉक बीच का दिखाएंगे पूरा व्यू। इसको फ्रेंच कॉलोनी भी बोलते हैं, पौंडीचेरी इसी के नाम से जाना जाता है, फ्रेंच कॉलोनी। बहुत लोग जिनको पता चलता है कि मैं पौंडीचेरी आई हूँ तो सब लोग ये कहते हैं वहाँ तो फ्रेंच कॉलोनी है, पहले फ्रेंच रहते थे, तो यहाँ का बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ उन्होंने अपने जो घर थे उनको छोटे छोटे रेस्टोरों में तब बदल दिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये ना पहले फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, ये फ्रेंच लोगों के घर है, उसी में उन्होंने इतने सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, कैफे हैं, आइसक्रीम है। दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली खान मार्केट, वेट नहीं है इनमें, हल्का वाला ये। नहीं नहीं वेट नहीं है। हाथों में भी पहनते हैं हम। आप देख सकते हैं ये नाइट व्यू है, फिर से ये देखिए रात का नज़ारा, रात में समुद्र कैसे दिखता है। यहाँ मैं इसलिए रात में आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी दिन में तो आ जाती है हमेशा ही, लेकिन वो अकेले रात में नहीं आ सकती क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल में रहती है तो उसकी वार्डन आने नहीं देती है 8 o'clock के बाद, तो उसको देखना था कि रात में बीच कैसा लगता है, इसलिए मुझे उसकी फरमाइश में आना ही पड़ा। दिन में भी आऊँगी, ऐसा नहीं अभी 2-4 दिन रहेंगे तो रोज़ घूमना फिरना ही लगा रहा है। मैंगो लें, आ जा। कितना हुआ मसाला डलवाना है? नो
30 में देते हैं ना। तू कैसे गूंगी हो रही है, बोल सकती है? नहीं तो बोल सकती है बच्चे। लिखा मैंगो, कच्चा आम जो इसको बहुत पसंद है, ये बीच में आती है तो कच्चा आम जरूर खाती है। ये ले खा ले। खट्टा है, बहुत खट्टा है। अब पाइनएप्पल खा लो, वाटरमेलन दिया देंगे ये खाने के बाद, थोड़ा घूम ले है ना। उधर एक मार्केट है, देखोगे क्या मार्केट है, क्या मिलता है उसमें। सुप्रीम कैचर लिया था मैंने, देख लेते हैं एक बार। कितने का भैया? 20 लाइट बॉटल चाहिए मैडम? नहीं। नहीं 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 चाहिए। हाँ अच्छा, पता नहीं 10 रुपये और चाहिए थे। नहीं 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 चाहिए, ये लो भैया एक दे दीजिए। ऐसा भी है, दोनों का अलग अलग है तो खाना तो एक है। नहीं नहीं तेरे को खाना है? नहीं थैंक यू, नहीं आप दो खा लेना, मोटी हो जाऊंगी। नहीं तो नहीं चाहिए, ऐसे दे दो ना। जा नहीं पैसे फ्री का नहीं अच्छे लगते। कोई बात नहीं, बड़े कानपुर से पौंडी में क्या करने आए हैं? कहाँ से? कानपुर से। तो कानपुर से इतनी दूर आए हो धंधा करने? तो कानपुर में नहीं था धंधे का? कानपुर में 10-5 रुपए का बिकता है, यहाँ 20 का। बहुत मुनाफा होता है तो हमें लूट लिया। गलत बात है, यूपी वाले हो के यूपी वालों को ही लूट रहे हो तुम लोग। कमी लूटा है, चल हैप्पी हो जा तू भी। ये नेल से क्या करूं, खोलना। अरे वाह, प्रैक्टिस टैलेंट। तेरे को नहीं खानी कॉटन कैंडी? ये क्या किया इन्होंने, नीचे तो दे दिए कैफे और ऊपर बना दिए रेस्टोरेंट हो गया। देखने में वो ही है ना, एकदम वाइट वाइट और अच्छा भी है। और रात में भी कितना सुंदर लगता है। अगर यहाँ मतलब हाँ यहाँ रुके हैं बालकनी पे खड़े हो जाओ तब देखो समुद्र का व्यू। इतनी गर्मी है पर इधर ठंड लगती है ना, यहाँ अच्छा लग रहा है पंड वहाँ जाके गर्मी है। बस यहाँ रुकने का एक ही वो है कि तेरे लिए बहुत दूर पड़ जाएगा, कॉलेज दूर है। क्या खाना है? वॉफल। चल तो ले ले। बस बस क्या हुआ, नहीं दिया उन्होंने? ये जो शॉप पे आए इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वफल मिलते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ बट बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। हाँ हाँ तू खाती है पता है पता है। तो व्लॉग में कोई कहेगा आप बच्चे से पेमेंट करा रही हो? कोई नहीं, बच्चे को भी हम ही देते हैं, फिर भी आप बच्चा भी कमाता नहीं है। बच्चे के लिए एक बार दे देंगे, खट्टे डाल दूंगी तेरे पेटीएम में, कर दे अभी। बस बताना कहाँ से लाई है तू? पापा ने दी। तो पापा किसके हैं? मेरे हैं। ये आपके पापा थोड़ी आपके हस्बैंड हैं। पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है।
तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं सुबह घर से निकली थी 8 o'clock और यहाँ चेन्नई से पौंडीचेरी पहुँचते पहुँचते मुझे हो गया था 4:30। तो आज बस हम रॉक बीच आए और यही घूमा है मैंने। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही दिखा पाऊँगी। जल्दी ही पौंडीचेरी के बागी बीचेज और जहाँ भी मुझे घूमना है वो सब आपको अलग अलग व्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।